तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इंट्रा V30 में रीजनरेशन प्रॉब्लम है जो अभी हमारी गाड़ी में आई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रीजनरेशन का है और अभी कितनी चली आप देख सकते हैं 58,900 के करीब गाड़ी चल चुकी है। और यहाँ पर मैं नीचे भी आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रीजनरेशन का बटन है यहाँ पर, तो इसे दबाते हैं क्या होता है। तभी कुछ नहीं हुआ है गाड़ी में, आप देख सकते हैं। तो आपने बहुत सुना होगा जब गाड़ी में रीजनरेशन दिक्कत आती है तो गाड़ी की पिकअप एकदम ख़त्म हो जाती है, गाड़ी सीटर के ऊपर नहीं चलती है, हमने सुना था। तो उसको टेस्ट करते हैं गाड़ी किस तरीके से चलते हैं रीजनरेशन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लाइट और भी है, इसका हमने बताया था, उसका बोला था कि सेंसर में अपडेट करना होगा, उसे ठीक हो जाएगी। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब मीटर पे देखना, तो अभी आप देख सकते हैं इतनी देर से गाड़ी मार रहा था लेकिन अभी चला गया है। मैं इस गाड़ी को करीब 10 किलोमीटर से रीजनरेशन में चला के आ रहा हूँ। तो अभी आपने वीडियो में देखा होगा रीजनरेशन की लाइट है वो चली गई है, तो ये शायद सेंसर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये दो लाइट भी आ रही है। उसने ये कहा था सेंसर में अपडेट कराना होगा, इससे ठीक हो जाएगी। ये अपडेट की वजह से भी ये आ सकता है, बाकी जो अपडेट की वजह से नहीं आया है और रीजनरेशन आया है तो ये गाड़ी में पावर में बिल्कुल की कमी नहीं हुई है, गाड़ी आराम से चलती है, जैसे नॉर्मल चलती है वैसे ही। अगर आपकी गाड़ी में भी रीजनरेशन की प्रॉब्लम आती है और पिकअप लॉस कर जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर ये सेंसर की वजह से लाइट आई होगी या फिर रीजनरेशन दिक्कत आई होगी। तो रीजनरेशन आया होगा तो गाड़ी में पिकअप लॉस नहीं किया है, गाड़ी आराम से चलिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम इस तरह के और वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।